ये पंखे ना बंद करिए, बात मारी गई कुड़का बत्ती कर रहा। ये मैं नेटवर्क बाज गया कि मैं भी आ तो गया शायद। ये भी देखिए भाई इसका नेटवर्क, वो कि छदो फोटो ही भेजी थी एक ना। राम राम भाई, सबसे पहले सारे ने जितने भाई जो भी जुड़ गए जल्द से जल्द भैया है कोशिश है कि वीडियो को सारी जगह सब जगह फैलाने की कोशिश करना। हम सब हो रहे हैं लोग, आप सब तैयार विनती है कि आप सब फैलाओगे क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। एक दिन भी कुछ ऐसा काम करा हूं उसके तुरंत बाद हम ब्लॉक कर दे हैं। आप सभी साथियों से सबसे पहली बात यह कहूंगा भाई, जब भी जो भाई भी बाद में भी जुड़े ध्यान तो बात ना सुनियो भाई, काम की बात है बहुत जरूरी। एक बार सारे के सारे साथी जुड़ो, सारे तो एक साथ बता दूंगा क्योंकि अलग अलग के बताऊंगे भाई। दिलबाग सिंह डीएसपी साहब भाई ने राम राम। एक बार भाई सारे साथियां या विनती है, एक बार दो मिनट का टाइम लूंगा क्योंकि मैं भी लेकर लिया हूं राजस्थान सीकर के नाम का। बस यो था जरूरी मैसेज सारे दौरा छोड़ दू, हो सके उड़े नेट बंद हो रहा हो, इसलिए आप लोग का यह बात कहना चाहूं। भाई ने क्या कही, लड़की गलत नहीं अपहरण किया था। वाह प्रवीर चौहान भाई, बात सुनो भाई, सबसे पहली बात सारे ने बेरा होगा डोली वाले कांड का, सीकर के अंदर जो कांड हो रहा है जिसके ऊपर सबसे पहले मेरी वीडियो देखियो, मैं लाइव आया था, मन ने कही थी बाण बेटी राजपूतों से पहले हमारी बाण है, वो चाहे किसी की भी हो बाण बेटी सबसे पहले हमारी खुद की बाण है, हम अपनी बाण की इज्जत सबसे पहले हम खुद करा है। मन ने वीडियो शेयर करी थी और सबसे पहले मन ने यह बात करी थी अब भाई इस बहन का पता होना चाहिए, जल्द से जल्द यह बाण हमारे बीच में होनी चाहिए। उसके बाद क्या स्टंट होया है इस चीज में भी राजनीति घुसा दी। आप सभी भाइयों यह बात कहना चाहूंगा, एक बार सारे भाई जुड़ना शुरू हो गए ही, शेयर का बटन दबाओ नीचे से, सोड़े हाथ में शेयर टू ग्रुप आओगा, सारे के सारे ग्रुप में यो जरूरी मैसेज इब के इब छोड़ दो। मैं हरस छिकारा भाई अपने पूरे भाईचारे के लिए सोनीपत से इस टाइम या वीडियो खत्म होते ही निकल लिया हूं, ऊपर फोन नंबर गे रखा है। कल सुबह का जो दिन होगा सीकर मां खोलेंगी भाई, उसका कारण क्या है, जो वो बहन बेटी थी जो डोली कांड होया था वो कांड जोर जबरदस्ती था आगे तो नहीं होया था, वो कांड इसलिए होया था कि वह लड़की और वे आपस में प्यार प्रेम कर रहे थे। लेकिन सुखदेव गुगा मेड़ी एक ऐसा वही हाथ इंसान है जो कुछ भी बोलता रहता, उसको बोलने की तमीज तक नहीं है। वो मैंने वीडियो में देखा, एक मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन शर्म की बात है, अपनी खुद की बहन बेटियों को रंडी बोल रहा था। अरे डूब का मर जा गंदे इंसान, एक खाली अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में तू दो जातियां में जातिवाद फलान पला गया रहा, कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है ये। जिन बहनों को तू रंडी बोल रहा था हम छाती ठोक के कहा हा? क्या हुआ वो तुम्हारी जाति से होगी, मारी बाण है हम आज भी उनकी नहीं हुई इज्जत करा, आगे भी नहीं हुई इज्जत करांगे। तुम तू घटिया इंसान हो सकता है, तू जातिवाद कर सके लेकिन हम इंसान नहीं, समझा। एक उपदेश राणा मेरे भाई, मैं तेरे को अच्छा इंसान मान रहा था उपदेश राणा भाई, लेकिन तन्ने भी एक बहुत बड़ा वही हाथ काम करया। उस टाइम स्टेज पर तू बैठा और सुखदेव गुगा मेडी नीचे से क्या कहने लग रहा, हम जाटों की बहन बेटियों को उठा लाएंगे, मैं जब चाहूं दस और यहां उठा लाऊं डोलिया। और तू हिंदुत्व की बात करने वाला उड़े नीचे बैठ के बात चुपचाप सुन लग रहा, बात इतनी बड़ी बड़ी करेगा हिंदुत्व जय भवानी जय फलाना जय दकड़ा, यार मतलब ये जातिवाद में पाड़ना एक लक्ष्य एक काम है क्या तुम लोगों का, डूब का मर जाओ या लड़ाई कहती बना दी जातिवाद की।
भाई सभी भाइयों को बताऊं, सबसे पहले हाथ जोड़ के कहूं सारे के सारे भाई एक बार शेयर करते रहो। नीचे शेयर का बटन होगा, नहीं पता हो तो मैं बता दूं, मेरी पूरी की पूरी टीम, मेरा पूरा भाईचारा ब्लॉक हो रहा है। इस मारे मैं बार बार थर तक लग रहा हूं। 700 भाई आप लोग जुड़ चुके हो, नीचे तो शेयर का बटन दबाओ। सोलह हाथ ने शेयर टू ग्रुप आओगा, सारे के सारे ग्रुप में शेयर करके पहुंचा दो। अरस छिकारा अपनी टीम के साथ लिकड़ लिया है भाई, बहन बेटी की किसी की इज्जत पर सवाल होगा, कोई बात होगी, सबसे पहले मैं खड़ा पाऊंगा। मैं अपनी ओर तक अगर मृत्यु बेरा पहुंच गया तो उससे दूसरी बात, जो अंकित नाम का लड़का था जिसके साथ वो लड़की गई, वे खुद अपनी मर्जी तक गए। अपनी मर्जी तक जाने के बाद वह लड़की उसके साथ शादी करना चाहो थी, वो लड़का उससे शादी करना चाहो था, तो गलती एक इंसान की नहीं दोनों की थी। उससे दूसरा सजा एक इंसान को मिलती, उसके साथ कितने लड़के नाजायज लपेट दिए, क्या क्या केस लगवा के, शर्म करने की बात है ये। घटिया इंसान घटिया राजनीति के चक्कर में इन बड़का के झूठे केस क्यों लगवाओ हो? फिर ये ही बच्चे गुंडे बनेंगे और क्या बनेंगे। एक दो जाति आपस में लड़वा दी, बे ये जातिवाद का कोई रोड़ा था? कुनवर बलवीर राठी मेरे भाई, मन ने सुखदेव कुका मेडी की वीडियो सुनी थी जो ये कहने लग रहा था ये हमारी रंडिया है, बात सुन लो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं भाई अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता, मैं वह बात नहीं करना चाहता। उससे दूसरी भाई आप बोल रहे हो मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरी करते हो, मैं सबकी इज्जत करता हूं। मेरी वीडियो चेक करो, सबसे पहले मैं लाइव आया, मन्ना खुद लाइव आ कही कही हमारी बहन बेटी ये बात आ गई भाई, और हम अपनी बहन बेटी के परिवार के साथ खड़े हैं, हमारी जो भी मदद की जरूरत हो एक बेरा पहुंचा देना, ये बात हमने खुद कही थी मन ने। उससे दूसरी बात, बात सुनो भाई, इस जो काम की बात है, सबसे पहला लड़की के लड़के के कॉल डिटेल निकलवा लो, ये काम प्रशासन करेगी। ये पहले से दोनों बात करें थे, इनके बीच में कुछ था, ऐसे नाजायज किसी ने लेकर कोई नहीं भागता, इस बात का हमने भी बेरा। उससे दूसरा जितने बच्चे जितने बालक हैं उन पर झूठा केस बना दिया, डूब का मरण की शर्म की बात है। केस था लड़की का, लड़की के केस में भी इतने बालक लिपटवा दिए, बेमतलब। एक ये बात हो है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के चक्कर में जो भड़काऊ भाषण सुखदेव गुगा मेडी ने दिया उसके ऊपर मैं लाइव आकर इसलिए नहीं बोलिया, अग भाई जातिवाद ने क्यों बढ़ावा देने लग रहे हो, ये चीज आडे की आडे खत्म हो जाएगी। हाथ जोड़ के विनती है, आपस में मत लड़ो, आपस में जातिवाद मत फैलाओ। लेकिन मैं मेरे सबसे पहले राजपूत भाइयों को ये बात कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों सबसे पहले सुखदेव गुगा मेडी का तुमने खुद लाज बांधना चाहिए, तुमने जुबान बंद करनी चाहिए। उसका कारण पता क्या, वो मारी बाण बेटिया नरंडी के, वो थारी बाण बेटिया नरंडी के। अरे सोच के देखो, बाण बेटी सबकी एक होती होगी, सबकी इज्जत शर्मात है। मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत करूंगा तो कोई मेरी की करेगा? और पी का दो घूट मूत जो अपनी बाण बेटिया ने अनाप शनाप गाड़ियां पकड़ लग रहा, क्या इज्जत करेगा भाई? वो सोचा ये बात, बात सुन लो भाई। कल सुबह सीकर में 8 बजे ऊपर फोन नंबर गे रखा है 816-864-0039, मेरा खुद का नंबर है, उड़ा खड़ा पाऊंगा। किस लिए? जो बात सच्चाई थी केस बनाओ भाई उस चीज पे, गलत का साथ कदे नहीं देगा रस छिकारा। उससे दूसरा जो झूठे केस झूठे बालक फंसाए गए उनका रिमांड उनकी देही तोड़ गिरी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब बताता हूं मैं बात, या बिगड़ी क्यों कर है, डोली जो लूटी गई उसमें लड़का लड़की आपस में बात करें थे, सरासर गलत काम था, किसे बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होया। लेकिन जब वह लड़की, उसका नाम हंसा, जो हमारी बहन बेटी उड़े है, जिस टाइम पकड़ी गई, पकड़े जाने के बाद उसको कहां भेजा जाता भाई? महिला थाने में भेजा जाता होगा पूछताछ के लिए। वो लड़की सीधी की सीधी अपने घर कैसे भेज दी? पूछताछ तो होती होगी, पूछताछ नाम की कोई चीज होगी। उससे दूसरी बात भाई, हम ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कल शिखर में इकट्ठे होंगे एक चीज के लिए, इस केस की जायज से जायज मांग हो। और उससे दूसरा जो पुलिस अधीक्षक साहब हैं
वो भी इसी जाति से बिलोंग करते हैं जिन जातियों के इर्द गिर्द यो केस घूम रहा। सबसे पहले जांच उन अधिकारी साहब पनी, किसी अन्य अधिकारी साहब हो जो निष्पक्ष जांच करे। बात सुनो भाई, अगर अंकित लड़का गलत है केस बनाकर जेल में दो, अगर लड़की गलत है, लड़की थारी हो मारी जिसने इज्जत नहीं रखी उसने भी अंदर दो, क्या करेंगे इसी बहन बेटी का। उससे दूसरा जितने हमारे भाई जिन पर निर्दोष केस, जिनकी गेर का दे ही तोड़ दी, उन भाइया गैल इंसाफ चाहिए। कितने न लपेटोगे एक झूठे केस में। आप इस टाइम पे 1800 भाई मने देखने लग रहे हो, तुम सब तो बता दूं भाई वो दिन दूर नहीं, न्यू मरोगे, न्यू कटोगे, न्यू थारा झूठे केस लागते रहेंगे। उसका कारण तुम खुद सब हो, क्योंकि एक बात सोच के देखो, बहन बेटिया की इज्जत की बात आ रही। मैं खुद उस टाइम पे मेरे राजपूत भैया के फेवर में मैं खुद बोलिया, क्योंकि हमने जातिवाद तक कोई मतलब नहीं, मैं इंसान हूं, इंसान था, इंसान रहूंगा। मारी बहन बेटी थी वह, चाहे गलत हो चाहे ठीक हो, सबसे पहले मैंने वीडियो घेरी। अब भाई ये भाई ऐसे ऐसे ये बहन गायब होगी और इसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, गेरी होगी, चेक कर लियो पेज पे भी मिल जाएगी, अरस शिकारा नाम से जो पेज है इस पे नीचे। उससे दूसरा जो अंकित नाम का लड़का था उसके साथ जो और लड़के थे उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, गहने चोरने के, फलाने के, डकैती के, लूटपाट के। एक बात बताओ, एक लड़का लड़की आपस में दोनों प्यार कर रहे थे और दोनों शादी करने के लिए, एक सेकंड रुक जाओ, ये मैं जगह भी बता दूं कहां जहां थे। ये एक मैं शायद आप लोग दिखाए दूं, आप लोग पढ़ते रहियो। अंशा नाम की वास्तविकता अंशा कवर स्वयं भाकर शादी के लिए अंकित शेवरा को देहरादून वो लड़की शादी के लिए लेकर गई। उस लड़के को या वो लड़का लेकर गया, बात को ऐसी मान लो, क्योंकि खोट दोनों आगा बराबर है। हमेशा एक इंसान की गलती नहीं छाटी जा रहा, कोई पंचायत हो कि तो को पंचायती बैठे हो कि तो को डंका मानस हो, दोनों की बात सुनेगा, हाँ भाई लड़के बात बता, फिर वो लड़की की सुनेगा, हाँ बात बता बेटी, फैसला जब हो आग्रह, फैसला न्यू ना हो आग्रह, अब फरी के कमतो मंदला दो, जो केस हो वो हिला दो। यो जो अंकित सेवदा नाम का लड़का है यो तोड़ के गिर रखा, इसने तोड़न लाग रे रिमांड ले रखा बूढ़ी तेरिया। एक काम करो भाई, कॉल डिटेल निकलवाओ पहले लड़की की लड़के की, उसके बाद जांच करवाना सच्चाई क्या, पहले सच्चाई को तो जानो। उससे दूसरी बात, सरे आम अखबार मारी थी सुखदेव गुगा मेडी ने, ये बयान दिया हम जाटों की लड़कियां की, क्या पता कितने की, मैं टोली उठा लाऊंगा, मैं छतरी हूं, मैं फलाना हूं, छाती पीटन लाग रहा, क्या का छतरी भाई, अपनी बहन बेटियां तू गाली देने लाग रहा, कम से कम थोड़ा बहुत तो शरमा ले मेरे बड़े भाई। मैं बार बार तेरा नाम लेकर जुबान भी गंदी नहीं करना चाहता, क्योंकि थोड़ी बहुत तो शर्म हो, इस राजनीति के चक्कर में जाट राजपूत करवा रहा बार बार तू, तेरे को राजनीति करनी है अच्छे तरीके से कर, नहीं पता हो तुम्हारे को बता दूं, सुखदेव गुगा मेडी की पत्नी राजनीति में है, शायद वो चुनाव भी लड़ रही होगी, फिलहाल आप लोगों को ज्यादा पता होगा। इसके चक्कर में तू ये सोच रहा था टन गाली देकर अपना वोट बैंक बढ़ा ले, अरे मेरे भाई अपने चक्कर में जाट राजपूत क्यों फला रहा, राजपूत हमारे मेरे जाटों से भी अच्छे साथी है, और राजपूतों के जाट इतने अच्छे साथी आप सोच नहीं सकते। भाईचारे न बढ़ाने की जगह आप भाईचारे को तोड़ रहे हो, सरेआम स्टेज पर खड़ा होकर माइक में ये बोला उनकी बहन बेटियों को उठा लूंगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई कल होगी, पर्चा दर्ज मैं कराऊंगा भाई, बात सुन ले। हरियाणा से अरस छिकारा अपनी पूरी टीम के साथ या वीडियो आड़े तक कटते सीधा सीकर हूं, कल सुबह भाई सभी भाइया मेरे यहां तो जो आने वाले जितने भी साथी जितने भी भाई हैं, सबसे पहली विनती है भाई, ऐ भद्र भाषा का प्रयोग कोई नहीं करेगा, बहन बेटी किसे की हो भाई गाली कोई नहीं देगा इनकी त्रिया, ये जो गुगा मेडी था। उससे दूसरा, एक भी इंसान वही हरकत नहीं करेगा जिस तुम्हारी नाक नीची हो। मारा मेन मकसद मेन काम ये है, जिस पर झूठा केस झूठे मुकदमे लगाए गए उन भाइयों को वहां जाकर तुरंत न्याय दिलवाना, जो उड़ेगेर का बेमतलब तोड़ दिए उनको न्याय दिलवाना। उससे दूसरा, जो झूठ है जो सच है उसकी निष्पक्ष जांच कराना, मारा सिर्फ और सिर्फ यो उद्देश्य है। कल तड़के 8 बजे भाई
शिकर के अंदर पाऊंगा, होश कौड़ नेट चालू ना हो सके है उड़े कुछ और भी पाबंदियां लगा रहे। क्यों जीता हूं चाहे मरता हूं मैं जरूर पहुंचूंगा, पहली बात। उससे दूसरी बात भाई, 100 में का 100% निष्पक्ष जांच करवा का आऊंगे, इस बात की गारंटी दूं। कित गए वे बे मतलब के बेउद्दे आदमी जो गाली देने ना एक सेकंड बाजे है, और जब इज्जत बेइज्जती बताता हूं जब दूर दूर तक नहीं दिखते। यहां दो जाती आपस में जा रहा है कि एक मुद्दा बना के कम से कम प्यार प्रेम तभी ये मुद्दे निमट सके हैं, समझे आप लोग। 2000 भाई आप लोग देखो, मैं सारे के सारे भैया दिया बात कहना चाहूं, 100-100 ग्रुपा में शेयर करके सारे का पहुंचा दो। शेयर का बटन दबाओ नीचे ते, सोड़े हाथ में शेयर 2 ग्रुपा होगा, सारे के सारे ग्रुपा मुंह पर ते नीचे थी शेयर करके। और भाई जीतता हूं चाहे मरता हूं बात सुन लो भाई, बाण बेटी की किस्से की इज्जत पर कोई बात हो मैं आगे खड़ा पाऊंगा भाई, सीधी बता दी। झूठी जो भी को किसी पर तो मंदला होगा उड़े भी भाई आगे खड़ा पाऊंगा। उससे दूसरा मेरे राजपूत भाई आता है, हाथ जोड़ का कहूं भाई, हाथ जोड़ का विनती है, जो सुखदेव गुगा मेड़ी है यो एक जातिवाद आदमी है भाई, इसका इलाज करो। यो मारी है बाण बेटिया नगाली बक, मारी बाण बेटिया तगाली बकने का मतलब ये है थारी बाण और मारी बाण अलग कौन है, समझे। वे थारी बाण है, वे हमारी बाण है। सबसे पहली बात यह है कि मेरे भाई हाथ जोड़ के मैं भाईचारा चाहने वाला हूं, मैं किसी भी आदमी ने कोई गलत राय नहीं दिया रू, ना मैं जातिवाद की बात करा रू, निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी हो उसने सजा मिल रहा है, सीधी स्पष्ट बात है भाई। आप लोग आधी बात पहुंचा दी है और जांच ऑफिसर चेंज जरूर होगा गोपी राम चौधरी, चिंता ना करो। कल तड़के मिल लाएंगे, ऊपर फोन नंबर लिख रहा है क्या चेक कर लो, जो काम का भाई हो जो उड़े मिल रहा है वो फोन करियो भाई, ऊषा खुशी को फोन ना करियो, सवाद लेनिया या गाली देनिया बहुत चेड़ हो रही है भाई, हमने काम करा, हाँ काम करने दो, बस यो लक्ष्य है। इससे दूसरा लक्ष्य यो है भाई, इजातिवाद ना हाथ जोड़ के विनती है, सुखदेव गुगा मेड़ी मेरे बड़े भाई भाई साहब हाथ जोड़ के विनती करूं हूं, आगे ये इसी बात ना कहिए, जातिवाद ना करो, राजनीति करने के और बतेरे तरीके वे कर लो। उससे दूसरा उपदेश राणा, तू मेरा एक अच्छा साथी है मेरे भाई, तेरे ते भी एक विनती है, कम से कम तू हर समय हिंदुत्व की बात करे, हिंदुत्व में अकेला राजपूत नहीं आता, अगर हिंदुत्व की भी बात करे ना तो उसमें अन्य भी आते होंगे, समझे। तो भाई उस समय सुखदेव गुगा मेड़ी माइक लेकर चिल्ला रहा था, तू नीचे बैठ कर सुन रहा था, तेरा हक बना था उस टाइम पर न्यू रोकना, बड़े भाई आप गलत बात बोल रहे हो, लेकिन एक बार भी नहीं बोलिया, ये सरासर गलत बात है मेरे भाई। या तो वह बात होगी मैं किसी बड़े बुजुर्ग ने या किसी जाति ने या किसी औरत ने गाल बक दूं जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, वे नु कह देंगे बच्चा ये तो कोई ना हो जाए यार गलती, ये गलती नहीं भाई ये गलता है। इससे हमारे समाज में क्या मैसेज जा है, यही मैसेज जा है क्या कि जाट राजपूतों को गाली बकेंगे, राजपूत जाटों को, इन दो जातियों को आपस में लड़वा के बैठवा के इस भारत देश ने क्यों बोता कर रहे हो, कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो फिर आप, कौन सा हिंदू तो बचाने की बात कर रहे हो। उससे दूसरा मुसलमान हो भाई चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, भारत देश में जो रहने वाला है वे हमारे सब भाई सब मारी बाण है भाई, माए मेरे दौर को खबर पहुंचगी मैं आगे पाऊंगा, सीधी स्पष्ट बात है, मेरे बस की होगी तो या मेरे बस की है शिकर में मेरे भाई मजबूरी में है, कल तड़के में उड़े सब आगे खड़ा पाऊंगा, चाहे मैं कट जार चाहे मैं मर जार चाहे मेरा केस लाग जा, मैं उल्टा नहीं हटूंगा भाई, सीधी बता दी, फैसला करवा के उठांगे थर तभी बता दू भाई, बोते ना पड़ी हो यो बोता पड़ पड़ी सी तीसी होली दबनार बोता पड़ना ऐसा है भाई, कानूनी कार्रवाई कानूनी तरीके से करो और हम अपना प्रदर्शन अपना काम अपने तरीके से कराएंगे, ना के कोई भी मान मर्यादा का उल्लंघन कराएंगे। सभी भाइयों ने राम राम, और बहुत शर्म की बात है जब सुबह तक यो मैसेज पूरे राजस्थान के अंदर पूरे हरियाणा यूपी दिल्ली के अंदर नहीं गया तो नीचे फिर कहूं बार बार शेयर का बटन दबा के सोड़े आतना होगा, शेयर 2 ग्रुप सारे के सारे ग्रुपा में शेयर करके सारे का पहुंचा दो, क्योंकि कल सच्चाई की जीत होनी चाहिए, नहीं तो ये नेता चुनाव आने पर ये मुद्दे ऐसे ही बना बना हमने आपस में लड़वा लड़वा खत्म कर देंगे। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।